और सामने इस्लामी रिश्ते से लगने वाले मेरी माँ और बहनों बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी लम यज़ल अलिमन क़दीरा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة مبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين। आइए हम आप नहायत ही अकीदत और मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के आका हुजूर सैयाए लामा का मालिक इल्तिजा सैयदी अबरार और अखियार शहंशाह ज़ीवाकार कायनात के अव्वलीन फसले बहार रहबर आज़म कायदे आज़म नय्यर आज़म जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हम सब झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए ब आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफियाना हबीबाना नबीजना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात हुसूल बरकत के लिए एक बार और पढ़ लिया जाए नबी और आले नबी पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व शफीअना हबीबाना नबीजना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात ये महफिल पाक तीजा के तअल्लुक से यानी जिक्र शहदाए करबला के तअल्लुक से सजाया और बसाया गया है और इसका नाम जिक्र शहदाए करबला और मीलाद मुस्तफ़ा भी रखा गया है। तो मीलाद के तअल्लुक से मैं अपने नबी की शान में दो शेर पढ़ता हूँ, आप मुलाहजा फरमाएं। किसी शायर ने कहा है कि न पूछ मुझसे कि मैं क्या तलाश करता हूँ, न पूछ मुझसे कि मैं क्या तलाश करता हूँ, कसम खुदा की मदीना तलाश करता हूँ। न पूछ मुझसे कि मैं क्या तलाश करता हूँ, कसम खुदा की मदीना तलाश करता हूँ और ज़मीं पे अरशे मुअल्ला तलाश करता हूँ, ज़मीं पे अरशे मुअल्ला तलाश करता हूँ, कसम खुदा की मदीना तलाश करता हूँ, कसम खुदा की मदीना तलाश करता हूँ। हज़रात मैंने खुतबे मसरूना के बाद कुरान मुकद्दस की एक बहुत मशहूर आयत पढ़ी है जिसको हम लोग अक्सर उस वक्त पढ़ते हैं जब कोई हमारे वहाँ मर जाता है या किसी का इंतकाल होता है या किसी के इंतकाल की खबर सुनते हैं तो हम उस वक्त पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे और आपके पैगंबर हुजूर ताजदारे मदीना
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम्हारे पास मुसीबतें आए या तुम किसी मुसीबत में घिर जाओ या तुम्हें किसी मुसीबत का सामना हो तो उस वक्त पढ़ लिया करो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह इस आयत करीमा के पढ़ने की वजह से इसके सदके तमाम मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। मेरे अकबरम की एक हदीस में पढ़ता हूँ, मेरे अकबरम अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ रखते हैं, अचानक एक हवा का झोंका आता है और मेरे अकबरम के कमरे में उनके हुजरे मुबारक में चिराग जल नहीं थी, वो हवा के झोंके से वो चिराग बुझ जाता है। उस वक्त मेरे अकबरम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे अकबरम से हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा पूछती हैं, या रसूल अल्लाह, चिराग का बुझ जाना क्या ये मुसीबत है, ये परेशानी है? मेरे और आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जिस चीज से मोमिन के दिल में तकलीफ पहुंचे वो मुसीबत है, और जब मोमिन इस आयत को पढ़ता है अल्लाह उसकी मुसीबतों में आसानियां पैदा फरमा देता है। तो ऐ लोगों, मैदान-ए-करबला हम सुनने जा रहे हैं और आपको ये समझना ज्यादा बेहतर है कि जिस मुहर्रम की हम बात कर रहे हैं, जिस मैदान-ए-करबला का हम चर्चा और जिक्र करने जा रहे हैं, वो मैदान-ए-करबला अगर हकीकत में सही तौर से बयान किया जाए तो यकीन जानिए हर शख्स के आंखों से आंसुओं के सैलाब जारी हो जाएंगे। हर शख्स ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा, वाह रे आका हुसैन, आपने कैसी बहादुरी पेश की, वाह रे आका हुसैन, आपने कैसी सखावत अता की, आपने कैसे आबिद बनकर अपने आप को अल्लाह के हवाले किया। हम इंशाअल्लाह रहमान इस पर भी आपसे गुफ्तगू करेंगे, हम आपसे बात करेंगे। मैं आपके लिए नया नहीं, मेरे लिए आप नहीं हैं। इंशाअल्लाह रहमान हम लोग दो साल से मिल रहे हैं, मुझे ये एहसास है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से इमाम हुसैन का करम है कि हमारे और आपके दरमियान अल्लाह ने मोहब्बत पैदा फरमा दी। आप मुझे सुनने के लिए बुलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपको वहाँ से सुनाने के लिए आता हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि आपने मुझे अपना मेहमान बनाया है, और तो मैं अगर आपका मेहमान बना हूँ तो आपको भी अपनी मेजबानी का हक अदा करना होगा। मेजबानी का हक क्या है कि अगर मैं बोल रहा हूँ, जहाँ बात आपको समझ में आए वहाँ सुभान अल्लाह आप बोलेंगे तो मेरे दिल को सुकून हासिल होगा, मुझे ऐ लगेगा कि आप सुनना चाहते हैं, आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये एहसास होगा कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐ लोगों, मैंने आयते करीमा पढ़ी, उसको आपको मैंने समझाया, मैदान-ए-करबला में अल्लाह पर किन-किन मुसीबतों का इमाम हुसैन ने सामना किया, अपने छह माह के बेटे से लेकर अपने जवान बेटों तक की कुर्बानी पेश की, अपने अजीजों अकारिब, अपने दोस्तों अहबाब, अपने रिश्तेदार, अपने बहन के भी बेटों को कुर्बान कर दिया सिर्फ इसलिए कि इस्लाम हम तक सही सालिम हिफाजत से पहुंच जाए। हजरात, क्यों ना उसी इमाम हुसैन की शान में सलाम के कुछ अशआर पढ़ता हूँ, आप ही इसमें शामिल हो जाएं और हम सब मिलकर आका हुसैन की बारगाह में ये सलाम पेश करें, ताकि आका हुसैन की ये निस्बत अगर अल्लाह ने कबूल फरमा ली तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों आबाद होकर हमें कब्र हश्र में अल्लाह आसानियां पैदा फरमा देगा। मैं पढ़ना चाहता हूँ पूरा मजमा, एक बार कह दे सुभान अल्लाह, एक बार और कह दे या हुसैन। हजरत माशाल्लाह सुनना चाहते हैं, मेरी जमात के शायर लिखते हैं कि अली के लाल को दुनिया सलाम करती है, अली के लाल को दुनिया सलाम करती है, नबी के आल को दुनिया सलाम करती है, नबी के आल को दुनिया सलाम करती है, वह जिसके वास्ते सजदे को तूल दिया आका, वो जिसके वास्ते सजदे को तूल दिया आका, उसी ख्याल को दुनिया सलाम करती है, उसी ख्याल को दुनिया सलाम करती है, उसी ख्याल को दुनिया सलाम करती है। और मेरी जमात का शायर लिखते हैं, आगे यूं लिखते हैं कि तुम्हीं को देखा तो राहिब ने पढ़ लिया कलमा, तुम ही को देखा तो राहिब ने पढ़ लिया कलमा,
तेरे जमाल को दुनिया सलाम करती है, तेरे जमाल को दुनिया सलाम करती है। ये शेर उस वक्त का है जब मैदान करबला खत्म हो गया, इमाम हुसैन के सरे मुबारक को नेजे पर रखकर जब यजीदी मिस्र के तरफ जाने लगे, तो इमाम हुसैन के सरे मुबारक को नेजे पे रखकर आगे आगे इमाम हुसैन का सरे पाक और पीछे पीछे तमाम यजीदियों का काफिला जा रहा था। रात का वक्त आया, एक बादनी था जिसके वहां उन लोगों ने कयाम किया, यानी रात गुजारी। जब रात गुजारा तो उस बादनी ने क्या देखा कि जिस नेजे पर जिस सर को लिया गया है उस सर से खुशबू भी फैल रही है और उस सर से लेकर आसमान तक फरिश्तों का आना जाना लगा है। इस बात को ये भी समझना चाहिए कि इमाम अली को काम के कटे हुए सर को एक पादरी देखकर, एक काफिर देखकर उनकी अजमत को पहचान सकता है, लेकिन उन यजीदियों के आंखों पर कैसी पट्टी पड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने इमाम हुसैन को नहीं पहचाना, इमाम हुसैन को उन लोगों ने नहीं समझा। उस पादरी ने कहा कि सुनो, तुम मेरे वहां कयाम कर रहे हो, तुम मेरे वहां ठहरे हुए हो, तो इसके बदले मैं चाहता हूँ इस सर को एक रात के लिए मेरे हवाले कर दो और इसके बदले में मैं तुम्हें 1000 अशरफिया दूंगा। वो तमाम यजीदी पैसे के भूखे थे, पैसे के लिए बेचैन बेकरार थे, पैसे के लालच में आकर वो सर उस पादरी के हवाले कर देते हैं। वो पादरी जब उस सर को लेता है, घर में ले जाता है, बालों से गंदो गुबार को साफ करता है, साफ करने के बाद खुशबू लगाता है और अपने घर में रखता है। उसके घर से आसमान तक फरिश्तों का मेला लग जाता है। मेरे और आपके पैगंबर जलवा फरमा होते हैं और उस पादरी को कलमा पढ़ाकर मजहब इस्लाम में दाखिल फरमा लेते हैं। उसी को शायर लिखते हैं कि इमाम हुसैन ने मरने के बाद, शहीद होने के बाद उनका सर मुबारक भी एक पादरी को कलमा पढ़ा रहा है। इससे हमें सबक हासिल होता है कि अगर हम यहाँ और आप हम सब लोग इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं तो यकीनन अगर अल्लाह ने ये कबूल फरमा लिया तो अल्लाह हमारी कब्र हश्र में मगफिरत फरमा कर जन्नत में दाखिल फरमा देगा। एक मैं बात आपको बताऊं कि एक बादशाह था जिस बादशाह के दरवाजे के तरफ से एक भिखारी एक फकीर एक घैली में कुछ लेकर जा रहा था। बादशाह ने पूछ लिया कि तुम इस घैली में क्या लेकर जा रहे हो? उसने कह दिया, इस घैली में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक शरीफ है, यानी बाल शरीफ है। बादशाह ने कहा कि इसकी घैली को लेकर मेरे खजाने में रख दो। वजीरों ने कहा कि हुजूर आप लोग जानते हैं कि इसके घैली में कोई हुजूर का मुंह मुबारक नहीं है, कोई बाल शरीफ नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको 1 लाख रुपया देने की बात कर रहे हैं। उस बादशाह ने कहा, मैं जानता हूँ कि इसके घैली में सरकार का बाल शरीफ नहीं है, हुजूर का मुंह मुबारक नहीं है, लेकिन इसने मेरे नबी की मुंह मुबारक से इस घैली को निस्बत बना दिया है। उसने मेरे सरकार के मुंह मुबारक का निस्बत देकर मुझसे कहा है कि इसमें मुंह मुबारक शरीफ है, तो उस निस्बत की वजह से मैं इसे 1 लाख रुपए नजराना देने लेकिन तैयार हूँ। आप इससे अंदाजा लगाए, उसने उस बादशाह ने कहा कि सिर्फ निस्बत की वजह से मैं उसे 1 लाख दे रहा हूँ। आप जरा सोचिए, तो हम तो सलापा में आकर सलातो सलाम की नमाज से इमाम हुसैन की महफिल सजाकर उनका जिक्र कर रहे हैं। अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो हमारे गुनाहों का नहीं बल्कि इमाम हुसैन की मोहब्बत के सदके हमारी मगफिरत फरमा देगा। हजरात, यकीनन हमें और आपको समझना चाहिए कि हम जो ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे हमारी मोहब्बत का चिराग रोशन होता है, हमारे नौजवानों में बेदारी पैदा होती है, हम ये समझने लगते हैं कि यकीनन इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत हमारे सीनों में महफूज है। हजरात, बड़ी देर से आप ना तो मनकबत और हजरत मौलाना सलाहुद्दीन से आपने बेहतरीन अंदाज में खिताब की समाप्त फरमाया है, लेकिन मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी मनकबत के इमाम हुसैन की शान में कुछ अशआर पढूं। इजाजत है तो हाथ उठा कर कह दें या हुसैन, पढ़ता हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो पढ़ूंगा, वरना दो शब्द पढ़ के खत्म करूंगा। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
سيدنا وشفينا حبيبنا نبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ارے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو भेजा तो तुम
दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, अरे ये जान चली जाए महाबत न जाएगी। दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, ये जान चली जाए महाबत न जाएगी। अब बोले 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 हुसैन ना जान की उम्मत न जाएगी। बोले हुसैन मैं नहीं जन्नत में जाऊंगा, अरे जब तक ना जान की उम्मत न जाएगी। और सिक्का मेरे हुसैन का चलता है चलेगा, सिक्का मेरे हुसैन का चलता है चलेगा। अरे दुनिया के शाह से रुतबा बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। लेकिन इंशाल्लाह आपकी मदद मिलती रही तो मैं इंशाल्लाह बोलूंगा, आप बेचैन और घबराइएगा नहीं। हमने दूर से आए हैं तो जरूर आपको कुछ देखे जाने की कोशिश करूंगा। एक बार और हाथों को उठाकर कह दे या हुसैन। हम सब लोग हुसैनी दीवाने हैं। मेरे आका हुसैन ने हमें कैसे बचाया और हम कितना मोहब्बत फरमाते हैं। बोले हुसैन के है ना काले हुसैन